व्यवहार किया। यही कुबजा जब सुपर्णखा बन के आई तब नहीं किया था, जबकि उस अवतार में भी सुपर्णखा प्रेम लेके आई थी, इस अवतार में भी प्रेम लेके आई थी, लेकिन उस अवतार में जब सुपर्णखा आई थी तब वो दिखावे को लेके आई थी, थी राक्षसी लेकिन बन के आई थी एक बड़ी सुंदर अप्सरा। और जो होता कुछ है भगवान को दिखाता कुछ है, भगवान उस दम्भ को, उस दिखावे को कभी स्वीकार नहीं करते। आज जैसी थी वैसी आई, तब भगवान ने उसका उद्धार किया। इसलिए भगवान को कभी भी छलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो कभी कभार कुछ कुछ भक्त करते हैं, भगवान को कभी कभी रिश्वत भी देते हैं। भगवान तू मेरा ये काम कर दे, मैं 10 रुपया की चनोरी चढ़ाऊंगा, भगवान तेरी 10 रुपया की चनोरी के भूखे, भगवान तू मेरा ये काम कर दे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, भगवान को भी लालच देते। जब तकलीफ आती है ना, दिल पर जब जोर पड़ता है, जब दुख आते हैं, तब तो भगवान की चाकरी में शुरू हो जाते, और जैसे दुख गए तो बस। जंगल से एक आदमी जा रहा था, रास्ते में उसको बड़ी जोर से एक जंगल का राजा शेर की बड़ी तेज दहाड़ सुनाई दी, और जैसे उसको शेर की दहाड़ सुनी अब घबराया, अब क्या करूं, जंगल में तो कोई था नहीं मदद करने के लिए, तो क्या बोला भगवान से, भगवान तू आज मुझे बचा ले, जंगल से बाहर निकलते 500 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और ऐसी कृपा हुई कि शेर वहां से छोड़ के भी भाग गया। बड़ी खुशी हुई, अरे वाह बच गया। थोड़ा आगे बढ़ा, अब देखा कि शेर पीछे रह गया, तो भगवान से मुस्कुराते बोला, अरे प्रभु महंगाई का जमाना, आप 100 रुपये में काम चला लेना। फिर और आगे बढ़ा, फिर 100 से 50 में पहुंच गया, और जंगल से बाहर निकलते निकलते तो ये भी कह दिया, अरे भगवान आप थोड़ी प्रसाद के भूखे हो, आप तो भाव के भूखे हो, ऐसे ही काम चला लो। जंगल से बाहर तो ये दम, ये दिखावा प्रभु को पसंद है। जब प्रभु के दरबार में जाओ, चाहे कोई गलती भी हो, अवगुण भी हो, उसको स्वीकार करो भगवान के साथ, सच्चाई के साथ जाओ। तो अब भगवान ने कुब्जा पर उद्धार किया, आगे बढ़े तो एक कुवलिया पीड़ नाम का हाथी आया, जो कंस का हाथी था, कंस को उसके दहेज में मिला था, उसको मदरा पिला करके छोड़ दिया गया भगवान श्री कृष्ण के सामने। लेकिन जैसे वो कुवलिया पीड़ आया, भगवान ने उसके पैर पकड़े, और जैसे प्लास्टिक का गुड्डा कोई घुमाता है, प्रभु ने उसे पकड़ के चारों तरफ घुमाया, जोर से आकाश से उछाला, हाथी लुढ़कता लुढ़कता धरती पर आ गिरा। कुवलिया पीड़ का उद्धार किया गया, आगे बढ़े, एक धनुष रखा था, वो धनुष क्या था, वो एक बार परशुराम जी उस धनुष की पूजा कर रहे थे, जब परशुराम जी पूजा कर रहे थे तो कंस वहां गया, उसने 10 बार उस धनुष को उठाया और 10 बार नीचे रखा, जबकि उस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं सकते थे। तब परशुराम जी ने वो धनुष कंस को दिया और कहा कि कंस जो भी इस धनुष को उठा के तोड़ देगा, समझ लेना वही तुम्हारा काल होगा, वही तुम्हें मारेगा। इसलिए इस धनुष को कंस ने बड़ी सावधानी से छुपा के रखा था, बड़े पहरेदार लाइन लगा के खड़े थे, कोई घुस ना जाए, कोई तोड़ ना दे। लेकिन प्रभु तो एक झटके में अंदर गए, जाकर के जहाँ पूजा चल रही थी, धनुष उठाया, पकड़ा, और जैसे खेल खेल में बच्चा करता है, वो धनुष को पकड़ के जोर से झटका लगाया, धनुष टूट गया। अब कंस को पता चला, अब महाराज कंस कांपे,
कुबलिया पीड़ मर गया, धनुष टूट गया, अब क्या होगा। अब महाराज कंस ने सोचा अब कोई उपाय नहीं है, अब तो एक ही उपाय है, योद्धाओं को बुलाओ, कृष्ण के साथ युद्ध करवाओ और इसे मरवा दो। बड़ी सभा लगी थी, लोग अपने अपने चारों तरफ सभा में खड़े थे। बीच अखाड़े में कृष्ण बलराम को खड़ा किया, बड़े बड़े योद्धा आए, चाणूर, मुष्टिक, तोशर आदि सब योद्धा इकट्ठे हुए। कहा कि अरे मथुरा वासियों, आज तक तुमने इस कृष्ण की बड़ी चर्चा सुनी, आज देखो ये कृष्ण हमारे बड़े बड़े योद्धाओं को मार के दिखाएगा। युद्ध शुरू हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को पकड़ा, बलराम जी ने मुष्टिक को पकड़ा, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। प्रभु ने चाणूर को मारा, बलराम जी ने मुष्टिक को मारा। अब कंस घबराया, दूतों से कहा जाओ ताकि इसको पकड़ो और जेल में डालो। भगवान श्री कृष्ण बोले दाऊ दादा आप जरा इन योद्धाओं को संभालो, हम जरा अपने मामा से हाय हेलो करके आते। उन्होंने बड़े बड़े काम किए, आज इनके प्रभु तुरंत जहाँ मामा कंस बैठा था सिंहासन पर, प्रभु सीढ़ियों से चढ़े, जाकर के कंस के बाल पकड़े, वही कंस जिसने माँ देवकी के केश पकड़े, भगवान ने उसके केश पकड़ के एक जोर से झटका लगाया, कंस सीढ़ियों से लुढ़कता लुढ़कता पृथ्वी पर आ गिरा और वही भगवान ने कंस का उद्धार किया। लोग चिल्लाए अरे मार दिया मार दिया मार दिया। संत बोले अरे मूर्खो मार नहीं दिया, इन्होंने तो इसको तार दिया। एक कंस तर गया, चाहे जो भी हो भगवान की हाथों से मृत्यु होना ये कम बड़ी बात नहीं है, मृत्यु तो सबकी होनी है। कोई कहे कि आदमी कब मरा, जब उसके माथे पर काल बैठा था, जब उसके माथे पर अभिमान बैठा था, जब उसके माथे पर लालच बैठा था। कंस कब मरा, जब उसके हाथ जब उसके सर पर भगवान श्री कृष्ण का हाथ रखा था। कंस का प्रभु ने उद्धार किया। वहीं पर कंस के छोटे 8 भाई थे, कंस 9 भाई थे, भगवान ने उन 8 भाइयों का भी उद्धार किया। अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त किया, नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। अब भगवान ने सोचा कि अब चोरी बहुत कर ली, अब झूठ बहुत बोल लिया, अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लो, वरना लोग कहेंगे कि रहा तो गोबर गणेश, मैया तो पहले भी कहती थी अरे छोरा पढ़ लेकर थोड़ी भजन पूजा कर लेकर। भैया भजन पूजन करने थे कहा होगो, बोले बेटा तेरी मुक्ति आ जाएगी। बोले मैया मोकू ना चाहिए, मुक्ति मुक्ति मोकू तो तू माखन देती रहे, वही मेरी मुक्ति है। पढ़ाई कर ले, अरे मैया मुँह कोई पढ़ाई वढ़ाई ना करनी। मैया कहती तू पूरा गोबर गणेश रहो, कालो कलूटो सो, कोई अपनी छोरी भी बिहाने को तो ना देगो। तो कन्हैया ने विचार किया कि थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि अभी शादी की बारी आने वाली है ना, अब कोई छोरी तो तभी देगा कोई जो बढ़िया पढ़ा लिखा हो, विवाह ऐसे थोड़ी कर देगा। तब प्रभु गए संदीपनी आश्रम पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उज्जैन के अंदर ये संदीपनी आश्रम। गुरु संदीपनी जी के आश्रम में जाके 64 दिन तक विद्या प्राप्त की। अब बारी आई जाने की, अब गुरु से आप कुछ शिक्षा लेते तो दक्षिणा देनी पड़े। तब भगवान ने कहा गुरु जी आपको दक्षिणा में क्या दूं। तब गुरु जी ने कहा कि बेटा, गुरु जी इतना तो जान चुके थे कि ये कोई बालक नहीं है, ये स्वयं परमात्मा है और ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कहा प्रभु मेरा एक बालक था जो कि समुद्र में डूब करके जिसकी मृत्यु हो गई थी, प्रभु आप मेरे उस बालक को मुझे वापस लौटा दो। प्रभु गए समुद्र देवता के पास, समुद्र देवता प्रकट हुआ, कहा महाराज प्रभु बोलिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा हे समुद्र देवता, हमारे गुरुजी के बेटे को तुमने डुबो दिया था, हम उसे वापस लेने आए। समुद्र देवता बोला महाराज क्षमा करें, प्रभु
मैंने आपके बेटे को नहीं, आपके गुरुजी के जो पुत्र है, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक राक्षस रहता है शंख के रूप में, शायद उसने आपके गुरु के बेटे को मार दिया। प्रभु राक्षस के पास गए, युद्ध किया, उसको मारा। तब प्रभु यमलोक गए, यमराज के पास, और यमलोक से गुरु जी के बेटे को वापस लाए। गुरु जी को दक्षिणा के रूप में वो पुत्र वापस दिया, शिक्षा ग्रहण की, और भगवान वापस अपनी मथुरा आ गए। मथुरा में आकर के प्रभु की और लीलाएं हुई। यहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, प्रभु को ब्रज छोड़े बहुत दिन हो गए, मथुरा में भी आ गए, कंस को भी मार दिया, शिक्षा भी ग्रहण कर ली, लेकिन अभी भी भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहे थे। ब्रजवासियों को भूला कन्हैया के लिए इतना आसान नहीं था, इसलिए आज भी कन्हैया ब्रज की याद करते बैठे बैठे रोते रहते थे। तो एक दिन भगवान के मित्र और बड़े ही ज्ञानी उद्धव जी महाराज प्रभु के पास आए। प्रभु से जाके कहा कि प्रभु देखिए, सारे मथुरा वाले लोग बड़े परेशान हैं, दुखी है, क्योंकि प्रभु आप दुखी रहोगे, उदास रहोगे, तो मथुरा के लोग कैसे खुश हो सकते हैं। प्रभु उनकी प्रसन्नता के लिए आपकी प्रसन्नता बहुत जरूरी है, प्रभु आप खुश रहा करो। मैया देवकी कह रही थी आप रोते रहते हो, पूरी रात आप जागते जागते यशोदा यशोदा मैया को पुकारते हो। कन्हैया बोले क्या उद्धव क्या बताऊं, मैं चाहकर भी ब्रजवासियों को भूल ही नहीं पाता। उद्धव जी बोले चलो तो प्रभु ऐसा करो, आपको ब्रज की इतनी याद आ रही है तो आप कुछ संदेश मुझे दे दो, आप जो भी अपनी गोपियों से कहना चाहते हो मैं वो संदेश ब्रज में जाके पहुंचा दूंगा, आप व्यस्त है नहीं जा सकते, मैं पहुंचा दूंगा। कन्हैया जी ने प्रभु ने संदेश दिया, उद्धव जी उस संदेश को लेकर के ब्रज की ओर चल पड़े और ब्रज में श्री उद्धव जब आते हैं, उद्धव जी ज्ञानी थे, ज्ञान को लेकर के आए थे, लेकिन जब उद्धव जी ने ब्रज की भक्ति को देखा तो ब्रज की भक्ति, ब्रज का प्रेम ज्ञान से आगे निकल गया। साधारण सी गोपियां थी, यज्ञ तप पूजा व्रत ध्यान प्राणायाम प्रतिहार धारणा कुछ नहीं आता था, परंतु फिर भी 24 घंटे उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते थे। उद्धव जी जब गोपियों को समझाने के लिए आए तब गोपियां श्री उद्धव जी से कहती है, उद्धव तुम कृष्ण विरह को कभी समझ ही नहीं सकते, क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि उद्धव जिसने कृष्ण का विरह सहा हो सिर्फ वही समझ सकता है। ये तो एक कहावत भी है कि जाके पैर न फटी विवाई वो क्या जाने पीर पराई, जिसको जो कभी उस दुख से गुजरा ना हो वो भला उस दुख को कैसे समझ सकता है। इसलिए गोपियां कहती थी उद्धव जी से, मूधो मत आइयो समझाने, आइयो समझाने जाको क
कांटो लगे सोई जाने ओ जाने कांटो लगे सोई जाने ओ धो मत आइयो समल जाने ओ धो मत आइयो लगे सोई जाने ओ जाको काटो लगे सोई जाने ओ जाको काटो लगे सोई जाने ओ जाको काटो लगे सोई जाने लगे
मन ही मन गोपिया इस विचार को मन ही मन सोचती है, अरे उद्धव तू क्या जाने कृष्ण विरह क्या होता है। और वैसे भी उद्धव भगवान श्री कृष्ण के मिलन में तो प्रेम है ही है, वो तो सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण मिल जाए तो आनंद तो है ही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मिलन से भी ज्यादा जो आनंद है वो भगवान श्री कृष्ण के विरह में रोने में है, कृष्ण की याद में रोने में जो आनंद है वो कृष्ण से मिलने में आनंद नहीं। यशोदा मैया के पास गए, यशोदा मैया का जो भाव देखा, मैया पूरी रात भर तकिया को गोदी में लेकर के रोती रोती लोरी सुनाती थी, नंद बाबा उद्धव को कहाँ कहाँ कृष्ण ने माखन चुराया, कहाँ कालिया का उद्धार किया, कहाँ पूतना मारी, कहाँ उखल से बंधे, वो हर एक स्थान का दर्शन उद्धव को करा रहे। और उद्धव मानो उसी समय पहुँच गए हो जब भगवान कैसे माखन चोरी करते थे, खड़े होकर के मटकी फोड़ करके मटकी उतारते, उद्धव भी उसी समय चले गए, उस भाव में उद्धव जी खो गए। राधा रानी से मिले, राधा रानी का तो जो विरह था उसका तो भगवान श्री कृष्ण के पास वो मन ही मन संदेशा भेजती थी। गोपियां उद्धव से कहती है, उद्धव अब
कृष्ण से मिलने की आस अब नहीं है। मिले ना मिले उसकी मर्जी, बस हमें तो अब उसकी याद बनी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम उसकी याद में रोते रहे, उसको पुकारते रहे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, कृष्ण क्या सोचता है, वो हमें छोड़ करके चला गया और हमसे पीछा छुड़ा लिया और अब वो हमसे छूट जाएगा, कभी नहीं हो सकता। अरे उद्धव, जब मरेंगी ना तो एक बार कृष्ण बोल के मरेंगी। और ये तो कहते ही हैं, अंत मति सुगति, कृष्ण को याद करके मरेंगी तो अगले जन्म में फिर कृष्ण का पीछा करेंगे। कब तक भागेगा, कब तक पीछा छुड़ाएगा, उसका पीछा छोड़ेंगे नहीं मरते दम तक। हम भी प्रार्थना करें प्रभु से, हे प्रभु अंत समय में हम कृष्ण बोले, कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते हमारे प्राण निकले। Krishna, 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 Karta Uddhava, Pran Hamare Jaa. ब्रह्मा